मुदई सुस्त और गवा चुस्त नहीं चलता है, मगर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भटक रहे हैं। अगर हमारी झोपड़ी होगी तो मकान का महत्व तभी होगा जब झोपड़ी होगी, और झोपड़ी ही मकान को हिला सकती है। और उनके जो गार्जियन हैं, लड़की के जो पिताजी हैं, बयान वो बदल गए हैं, अब अपनी स्थिति से हट गए हैं। इसका मतलब है अब कोई भी किसी तरह का भी जो मंत्री है उस पर कोई कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। ब्रजभूषण सिंह का 5-6 जिलों में असर है, यंग उसके साथ है, वो हर तरह से मजबूत है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जो पार्टी के बड़े लीडरान हैं, जो सत्ता के मुखिया हैं, उनकी कोई ना कोई कमजोरी ब्रजभूषण के पास है, इसलिए उसके साथ ना कोई कार्रवाई होगी और ना ही कुछ होने वाला है। सर, पहलवान बेटियां हैं, उनके मामले में एक नया मोड़ आ गया है, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? और अब जो एक माइनर जो पहलवान बताई जा रही थी, उसमें जो उसकी गवाही को लेकर, उसके जो आरोप को लेकर, वो पूरा खेल बदल दिया है पूरा इस मामले में। आरपी सिंह जी, अपनी तरफ से सभी देशवासियों को जय भीम, नवोद्धाय, जय संविधान। आप आए, आपने मेरे मन की बात जानना चाहा। जहाँ तक प्रधानों वाला मैटर है, वो प्रधानों वाला मैटर गवर्नमेंट ने सेटल कर लिया है, अब वो मुद्दा नहीं रह गया है। परिवार के लोग भी अपने जो उनके विचार थे, क्योंकि माइनर के मामले में गार्जियंस की स्पेशल वो होती है, और उनके जो गार्जियन हैं, लड़की के जो पिताजी हैं, उन्होंने अपना बयान वो बदल गए हैं, अब अपनी स्थिति से हट गए हैं। इसका मतलब है अब कोई भी किसी तरह का भी जो मंत्री है उस पर कोई कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। लेकिन अब तो पूरी तरह से जितना मामला था महिला पहलवानों को लेकर, वो पूरा झूठ नजर आता जा रहा है, जिस तरह से सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार अपने आप में बहुत मजबूत है इस वक्त में, और वो जो चाह रही है मन करके वही कर लेती है। किसानों के मामले में देखिए आप, कितने लोग वहाँ मारे गए, गाड़ी चढ़ा दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक जो महिला थी उसके बच्चे को मार दिया गया, बलात्कार किया गया, उसको भी इन्होंने, जो उनके अपराधी थे उनको बरी कर दिया, उनको भी इन्होंने माला पहना के उनका स्वागत किया। तो यहाँ अब बिल्कुल डिक्टेटरशिप है, और इस वक्त जो बहुजन समाज है वो अपने आप में कुछ भटका सा नजर पड़ रहा है। मेरा इसमें कहना ये है कि अपने घर में अपनी दूसरे के महल को देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगाना चाहिए। जो बहुजन समाज का मिशन है, जो अंबेडकरवाद और मनुवाद का जो द्वंद है, उस पे कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ से या अपनी कोई मजबूरी, क्या व्यक्तिगत मजबूरी में तो मानूंगा, वरना तो मिशन के लिए लोगों को अपने मिशन पे, बाबा साहब का मिशन, भगवान बुद्ध का मिशन, उस पे जमे रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारी झोपड़ी होगी तो मकान का महत्व तभी होगा जब झोपड़ी होगी, और झोपड़ी ही मकान को हिला सकती है, ये भी तय है, मगर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भटक रहे हैं। देखिए, ठीक है, अगर बाढ़ आ गई है अपनी झोपड़ी में और वो लग रहा है कि ये बह रही है, तो बहुजन समाज के इतने चिंतक हैं, उनको झोपड़ी को रोक करके उसको समाधान करके अपनी मजबूती में महल के साथ जो मनुवाद है, अम्बेडकरवाद को, उसके सामने लड़ना चाहिए, मजबूती से लड़ना चाहिए। अच्छा, जिस तरह के खुलासे हुए हैं पिछले 2 दिन में, और पूरा खेल जो पहलवान बेटियों का बदला है, उसको लेकर कई जो राजनीतिक दल है वो दावे कर रहे थे कि हम इंसाफ ना मिलने तक लड़ाई लड़ेंगे, अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं और पूरा जो खेल है वो बदलता जा रहा है, इसमें राजनीतिक जो संभावना है वो कितनी रह गई है? देखिए, मुदई सुस्त और गवाह चुस्त नहीं चलता है। मुदई में जब FIR जो उनके गार्जियन है, उसके मन की ये भावना आने लगी है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और मेरे परिवार की स्थिति भी बहुत ही ख़राब है,
तो मैं ऐसी स्थिति में कैसे इससे संघर्ष करूंगा? ये मामला सेटल हो गया है, अब इसमें किसी तरह का भी हमको ये नहीं लग रहा कि पहलवान वाला जो केस है इसमें कोई दम रह गया है। जो कल तक साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जिस तरह के दावे कर रहे थे, क्या वो भी पीछे हट जाएंगे? नहीं, वो सब हट गए पीछे, कुछ नहीं रह गया, अब कुछ नहीं रह गया। देखिए, मूल रूप से जो लड़ाई थी पहलवान वाली, वो सब सेटल हो गई है। पहले हमने आपसे कहा था कि इनको ब्रजभूषण सिंह का इतना बड़ा कद है कि वाकई लगता है आपको कि पूरा मैनेज कर लिया है? ब्रजभूषण सिंह का 5-6 जिलों में असर है, उसके बहुत कॉलेज में हैं, यंग उसके साथ है, वो हर तरह से मजबूत है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जो पार्टी के बड़े लीडरान हैं, जो सत्ता के मुखिया हैं, उनकी कोई ना कोई कमजोरी ब्रजभूषण के पास है, इसलिए उसके साथ ना कोई कार्रवाई होगी और ना ही कुछ होने वाला है। सिर्फ ये टाँ टाँ फिसो के रह जाएगा। चुनाव का मुद्दा अभी उठा रहे हैं कि हम चुनाव करेंगे और पहलवानों में से ही उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। हमको नहीं लगता ऐसा भी हो पाएगा, ये सब सेटल हो जाएगा। आपने पिछले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव जो है वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, क्या इसी जल्दबाजी के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लग रहा है कि अभी ब्रजभूषण सिंह को छेड़ना ठीक नहीं है? देखिए, ब्रजभूषण सिंह को छेड़ना ठीक नहीं है। अगर ब्रजभूषण के साथ में कोई मजबूत कार्रवाई करके हटाया जाता है तो पूर्ण रूप से पूरी पार्टी, जितने भी यहाँ जो लोग, कुछ विधायक जेल में हैं, कुछ महात्माओं के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे, वो जेल में हैं। अगर ब्रजभूषण सिंह को ये दोबारा एक्शन लेते हैं मजबूती से, तो पार्टी का छिछलेदारी होने के नाते और इसको बचाने की पूरी योजना है और वो बच जाएगा, अब कुछ होने वाला नहीं है इसमें। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस मामले के बाद कोई भी महिला पहलवान जिनका शोषण हुआ हो या कोई भी खिलाड़ी, वो आगे नहीं आएगा क्या? अब कोई आगे आने वाला नहीं है, उन्होंने 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया, सेटलमेंट हो जाएगा, कोई किस्सा नहीं। देखिए आप, ये जब ये पहलवानों वाला मुद्दा आया तो आपने देखा होगा वो रेल एक्सीडेंट का कितना तकड़ा मजबूत, ये उन जो जब से देश आज़ाद हुआ है कभी इतनी भयंकर दुर्घटना ना हुई और ना ही सरकार ने मंत्री और किसी उच्च अधिकारी जो रेलवे का था उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लगता। मुझे तो उसमें भी कुछ शंका लगती है, चाहे पुलवामा का मामला हो, आज ये दिखाया जा रहा है उसको भी मोड़ दिया गया था। देखिए एक और बता रहा हूँ, बुलंदशहर में मूर्तियाँ खंडित की गई, जब उसकी जाँच की गई तो उसमें भी हिंदू लड़के निकले गए, उसको भी इन्होंने जो है पूर्ण रूप से हिंदू मुस्लिम का चुनाव करके पुनः सत्ता में आना चाहते हैं। और ये हम कहना चाहते हैं कि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, हम फिर भी निवेदन कर रहे हैं कि किसी के अच्छे महलों को ना देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।